गुरुग्राम के पटौदी इलाके में एक पिता पर अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपी की पत्नी की शिकायत पर महिला थाना मानेसर में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। गुरुग्राम के पटौदी थाना इलाके में एक पिता पर अपनी 12 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगा। गुरुग्राम के पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार के मुताबिक आरोपी बिहार का रहने वाला है और पटौदी इलाके में एक फार्म हाउस में अपनी दूसरी पत्नी और पहली पत्नी के दो बच्चों के साथ रहता है। आरोपी फार्म हाउस में मजदूरी का काम करता है। शुक्रवार को महिला थाना मानेसर में आरोपी की पत्नी ने एक लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि जब वो घर पहुंची तो देखा आरोपी अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। पीड़ित ने पूछताछ पर बताया है कि उसका पिता पिछले 5 महीने से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया और फिर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन कल 18 मई को वोमेन पुलिस स्टेशन मानेसर में एक महिला शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दी गई, जिसमें जो शिकायतकर्ता है उसने पुलिस को बताया कि उसका पति जो मजदूरी का काम करता है और बेसिको बिहार के रहने वाले हैं, तो उसका पति पिछले करीब 5-6 महीने से उसकी लड़की जिसकी उम्र करीब 12 साल है उसके साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था। और जब भी जो पीड़िता लड़की इस बारे में विरोध करती तो उसको डराता था और धमकाता था। इस बारे में शिकायत मिलने पर आरोपी जो पति है उसके खिलाफ रेलिवेंट सेक्शन के तहत वोमेन पुलिस स्टेशन मानेसर में मामला दर्ज कर लिया गया था और केस की गंभीरता को देखते हुए ही सेम डेट ऑफ इंसिडेंट जो रजिस्ट्रेशन द केस जो आरोपी पति है उसको वोमेन पुलिस स्टेशन मानेसर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको आज माननीय कोर्ट के सम्मुख पेश किया जाएगा। गुरुग्राम में रिश्तों को कलंकित करने वाला ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इस तरह के मामलों में आपसी लड़ाई सामने आती है। फिलहाल आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस की जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से एक पिता पर अपनी बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगा है उससे कहीं ना कहीं बाप बेटी का पवित्र रिश्ता शर्मसार हुआ है। सुशील सिंह, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम।